हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीताज किचन। आज मैं बहुत सिंपल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, नान खटाई। दिस इज़ माय मदर्स रेसिपी। इसका बहुत सिंपल रेशियो है, एक कटोरी मैदा, पौना कटोरी घी या बटर एंड हाफ कटोरी पिसा हुआ शुगर। अब इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहें, मैदा के जगह आटा, बेसन, वॉट एवर लाइक यू फील लाइक, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस रेशियो को रखते हुए ही हम आगे चलते हैं। तो चलिए किचन में। और एक कप मैदा लिया है, अब इसमें एक कप कटोरी आटा डाल देंगे। इसमें एक टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल करके अब इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको छान लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है, इसको छान लेंगे एक दो बार ताकि ये सारा कुछ अच्छा से। अब इसमें हम वन कटोरी पीसा हुआ शक्कर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। पौन कटोरी सवा कटोरी के करीब इसमें हम डाल देंगे पीसा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम इसमें हम अनसॉल्टेड बटर जो है वो एक कप डालेंगे, एक कटोरी। ये बटर को हल्का सा गरम करके इसे सॉफ्ट कर लिया है। अब इसे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे मिक्स कर। इसमें ये सारा डाल देंगे, अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर भी मिक्स कर दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से गूंद करके डो बना लेंगे। नाउ द डो इज रेडी, नाउ वील स्टार्ट। ये डो रेडी हो गया है, अब इसको हम छोटे छोटे पेड़े के शेप में बना लें। तो इस तरह से पेड़े बना करके प्री हीटेड ओवन में हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे अराउंड 15 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर देंगे। 15 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पे मैं इसे बेक कर रही हूँ। ये फ्रेशली बेक्ड नान खटाई जस्ट आउट ऑफ द ओवन है। एकदम आप देख सकते हैं इसका गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आटे की वजह से है। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो एंड ट्राई दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।